एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी वीडियो शुरू हो रहा है ट्यूसडे की इवनिंग से, तो अभी करीब 8:30 बजे का टाइम है और यहाँ पर मैं जो है ना डिनर की तैयारी करने लगी हूँ। तो आज डिनर में मैं सिंपल सी दाल बनाने वाली हूँ, जो मूंग की दाल होती है ना वो मैं बनाऊँगी। हमारे यहाँ ना हरी वाली मूंग की दाल है ना वो कोई भी पसंद नहीं करता है, मतलब बच्चे भी नहीं खाते और हम लोग भी नहीं खाते, और ये वाली जो दाल होती है ना इसको सब शौक से खा लेते हैं और ये बनती भी बहुत अच्छी है। जितनी सिंपल तरीके से इस वाली दाल को बनाओ ना उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस इधर मैंने दाल में पानी डाल लिया है हिसाब से, अब इसमें जो बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड करूँगी और बिल्कुल लाइट से मसाले रखने, मतलब ज़्यादा एकदम मिर्च विर्च नहीं रखनी है मुझे इसमें। और साथ ही साथ इसमें मैं एक टमाटर कट कर दूंगी और एक टमाटर कट करने के बाद जो है इसको बॉईल करने के लिए मैं चढ़ा दूंगी और लास्ट में हम इसमें हींग और जीरे का तड़का दे देंगे। जो है ना रात के 8:15 बज गए हैं और बस अभी अभी जो है मैंने डिनर बनाने की तैयारी शुरू करी है। तो हुआ ये कि आज है ट्यूसडे तो हम चले गए थे सब्जी मंडी, हम लोग अभी आ रहे हैं बस सब्जी मंडी से। तो थोड़ी बहुत यहाँ पर मैं सब्जी भी लेकर आई हूँ और एक दो बास्केट लेकर आई हूँ। मेरे पास ना टोकरियाँ नहीं थी फ्रूट्स रखने की ना, तो वो भी मैं लेकर आई हूँ। मुझे बहुत जो है ना अच्छी टोकरी और बहुत सस्ती मिल गई। चलिए आपको दिखाती हूँ पहले। तो ये छोटी छोटी सी ये जो दो बास्केट है ये मैं लेकर आई हूँ, ये और ये, और ये 30-30 रुपए की मिल रही थी तो मैं दो ले आई। वैसे मेरा मन और भी लाने का था लेकिन अभी मैंने सोचा चलो फिलहाल दो से ही काम चला लेते। और आज डिनर बनाने में लेट हो गया क्योंकि हम लोग मंडी चले गए थे और जब सब्जी मंडी जाओ ना तो वहाँ पर टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पर ना मैं ये दो बास्केट जो कि मैंने आपको दिखा दी है वो लेकर आई हूँ। बड़ी क्यूट सी बास्केट है और फ्रिज में भी बहुत इजीली आ रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने एक बास्केट में तो अंगूर रख दिए हैं और दूसरी बास्केट में ना मैं अदरक हरी मिर्ची ये रख दूँगी। वैसे लाई तो मैं उसको भी फ्रूट्स के लिए ही हूँ लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई फ्रूट नहीं है जो मैं फ्रिज में रखूँ अंगूर के अलावा। तो इधर केलों के ऊपर जो है ना मैं फॉइल पेपर लगा देती हूँ तो इससे केले जो है ना वो जल्दी से ख़राब नहीं होते, मतलब काले नहीं पड़ते। तो इस तरीके से लगा देना चाहिए स्पेशली गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में ना केले जल्दी ख़राब होते। इधर दूसरी वाली जो बास्केट थी उसमें मैंने ये अदरक और हरी मिर्ची रख दी है, इन्हें इसी बास्केट में वॉश करके ना फिर मैं बास्केट को जो है फ्रिज में रख दूंगी। और बाकी की सब्जियां मैं अभी डाइनिंग के ऊपर रखूंगी क्योंकि वो मुझे वॉश करनी है, तो वो काम जो है मेरा लास्ट का होगा। यहाँ पर दाल जो है बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी है, एक सीटी में ये वाली दाल बहुत अच्छे से बॉईल हो जाती है। अब इधर जो है मैंने 2 चम्मच घी डाला है और इसमें मैं हींग डालूंगी और जीरा डालूंगी और बस इसी तरीके से जो है दाल में लगा दूंगी तड़का। और दाल में ना मैंने थोड़ा सा जो है हरा धनिया भी कट करके डाल दिया था तो हरे धनिए से ना फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो बस यहाँ पर जो है दाल वगैरह का काम मेरा सारा हो चुका है। और इस बीच जो है ना मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था और अब कट कर लेते सैलेड। तो जिस दिन सिंपल सी दाल हो ना उस दिन ना सैलेड हो तो अच्छा लगता है। और वैसे भी अब मार्केट में खीरे आने लगे हैं तो गर्मियों में तो जितने खीरे खाएं अच्छा है। और यहाँ पर बीट रूट भी जो है ना मैं कट कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। हेलो फ्रेंड्स, मैं बीट रूट खा रही हूँ। फ्रेंड्स आपको भी बीट रूट खाना चाहिए क्योंकि ये हमारा ब्लड और बढ़ाता है, ये बहुत हेल्दी चीज़ है, इससे हमारी स्किन में ग्लो भी आता है, हमारा फेस और अच्छा बनता है इससे। आप भी खाया करो इसको। खाने से पहले जो है ना मैंने सारी तैयारी कर ली थी, मतलब सैलड वगैरह कट कर लिया है और दाल भी बन चुकी है। तो अब बस गरम गरम मैं रोटियां बना रही हूँ और मैंने सबको जो है बिठाया हुआ है, सब डाइनिंग में जो है डिनर करें तो मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से गर्मा गर्म रोटियां बना के उनको खिलाना ना। और बस यहाँ पर देखिए ये है हमारा आज का सिंपल और टेस्टी डिनर, थोड़ा सा मूली और गाजर का अचार है, दाल है, सैलड है और रोटियाँ हैं।
तो जी डिनर वगैरह हमारा हो चुका है और आज हम लोगों ने किए थे, देखिए ग्लास केक ऑर्डर किए थे, बहुत दिनों बाद किए, मतलब एक डेढ़ महीना हो गया है खाए हुए। आज मन कर रहा था खाने का, क्या इनकी कि एकदम ना पेट अच्छे से भर जाता है, लगता है कि हाँ हमने कुछ खाया है, केक खाया है। और जिस दिन केक आता है ना उस दिन इन लोगों की अच्छी वाली पार्टी होती है। देखिए कैसा हो रहा है, यम्मी है। तो ये हमने आज ग्लास केक मंगवाए थे, तो बीच में तो मुझे बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई थी, मतलब हर तीसरे चौथे दिन मैं ये मंगवाने लगी थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा गैप कर दिया है क्योंकि ना मतलब कभी कभी तो मन करता है मीठा कुछ खाने का ना, तो हम लोग यही सब मंगवा लेते हैं, ग्लास केक वगैरह, क्योंकि एक तो ये ईजिली मिल जाते बिल्कुल हमारी सोसाइटी में ही, हमारे टावर में ही हैं जो बनाती है, और बनाती बहुत अच्छा, बहुत फ्रेश है, इसीलिए जो है ना हम उन्हीं से ही मंगाते हैं। तो अपना ये सब खाने के बाद मैं लगी हूँ बर्तन वॉश करने में, तो बस अब बर्तन धोऊंगी। और इधर अपने बर्तनों का काम निपटा के मैंने वंशिका को बोला कि पानी की बॉटल्स भर के फ्रिज में रख दो, क्योंकि हमारे यहाँ ना अब मतलब पानी इतनी जल्दी ख़त्म होता है ना, फ्रिज में बॉटल्स रखेंगे वो तुरंत जो है ना पी लेते हैं, बच्चे भी पी लेते हैं, ये भी पी लेते हैं, तो पानी बड़ी जल्दी ख़त्म होता है गर्मियों में। अच्छा, पानी की बॉटल्स भर के रख दी है, एक तरफ जो है मैंने दही भी जमाने के लिए रख दी है, तो सारा दूध जो था ना मैंने आज दही के लिए जो है रख दिया है, क्योंकि दूध बच्चों का अब कम पीना होता है, जैसे गर्मियाँ आ गई है ना तो अब दही और छाछ में ज़्यादा जोर रहता है, तो इस वजह से मैं सारे दूध की जो है ना दही जमा देती हूँ, क्योंकि सुबह तो जो है दूध आ ही जाना है। और अब लास्ट काम कर लेते हैं जो कि सब्जियों को धोने का है, तो इसीलिए ये वाला काम मैंने लास्ट में रखा था, क्योंकि इस काम में थोड़ा सा टाइम लगता है, और फिर ये है कि रात भर ये डाइनिंग टेबल के ऊपर रहेंगी तो सूख जाएंगी। और ये जो हरे वाले प्याज आते हैं ना, इनको मैं सैलेड के लिए लेकर आती हूँ, मुझे सैलेड इनका बहुत ज़्यादा पसंद है, प्याज का नहीं, इनके जो पत्ते होते हैं ना उसका सैलेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिलहाल तो इसको जो है मैं सब्जी के लिए लेकर आई हूँ, लेकिन मोस्टली जब भी लाती हूँ ना तो सैलेड के लिए लाती हूँ, लेकिन अभी ना ये थोड़े से बड़े हो गए तो इनके पत्ते खाने में अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर जो है मेरा सारा किचन का काम निपट चुका है, अब गेट वगैरह बंद कर लेते हैं। वैसे तो मैं इवनिंग होते ही बंद कर लेती क्योंकि मच्छर आते हैं ना, लेकिन आज भूल गई थी। और इधर वेदांश जो है मेरा गद्दा ले जा रहा है दूसरे वाले रूम में, तो अब हम एसी चलाते हैं तो इसी रूम में सोते हैं सबके सब, तो मैं ना नीचे गद्दा लगाती हूँ क्योंकि बेड पे ना जगह नहीं होती। बुधवार की मॉर्निंग का टाइम, तो सुबह के करीब 7 बज रहे हैं, और 7 बजे ही काफ़ी अच्छा उजाला हो जाता है, अब तो देखिए आसमान भी बिल्कुल क्लियर है। और इधर मिल्क भी आ चुका है, जिसको कि मैंने मॉर्निंग में उठ के ही जो है अंदर मैं इसको रख लेती हूँ, 6 बजे आ गया था मिल्क। और साथ ही साथ जो है ना इनको आज ऑफिस जाना है, तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी वगैरह भी कट कर ली है, इनको लंच वगैरह देना है, तो बस यहाँ पर जो है जल्दी से मैं तड़का लगा लेती हूँ। तो मैं आज आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, और साथ ही साथ रोटियाँ बनाऊँगी, तो बस प्याज वगैरह चॉप कर लिए हैं। और आलू बैंगन की सब्ज़ी मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, तो प्रेशर कुकर में आप जब आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप करारी करारी सब्जी खाने के शौकीन हैं तब तो आप कढ़ाई में बनाइए, लेकिन जब हम कुकर में बनाते हैं ना थोड़ा भरता स्टाइल में बन जाती है वो, तो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है राई और थोड़ा सा जो हींग है वो ऐड कर लिया है, साथ ही चॉप किए हुए लहसुन और प्याज मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब अच्छे से जो है ना इनको मिक्स करेंगे, भूनेंगे, और जैसे ही ये भून जाएंगे फिर इसमें चॉप किए हुए टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर लिया है मैंने, एक ही टमाटर डाला है। और बस अब इसको अच्छे से भूनेंगे और इसमें ऐड करेंगे मसाला, और सारे मसाले डालने के बाद अगेन इसको फिर भूनेंगे जब तक कि मसालों में से अच्छे से ऑयल दिखने ना लगे अलग से।
और उसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे बैंगन और आलू। और पानी नहीं डालना है इसमें, सिर्फ आलू बैंगन डाल के 2 से 3 सीटी में हमें कुकर बंद कर देना है और हमारी सब्ज़ी बनके हो जाएगी रेडी। और हाँ, इसमें कसूरी मेथी ज़रूर डाल दें, क्योंकि कसूरी मेथी का जो टेस्ट आता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कसूरी मेथी। तो यहाँ देखिए, मैंने सब कुछ इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद बस फिर मैंने इनके लिए टिफ़िन के लिए रोटियां वगैरह बनाई। बट न जाने वो वाली क्लिप मुझसे कैसे मिस हो गई, मतलब जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना, तब जाके मुझे पता चला है कि हाँ, मैंने वो वाली क्लिप सारी मिस कर दी है, जब ये ऑफिस जा रहे थे, जब मैं इनके लिए टिफ़िन पैक कर रही थी। और मैंने इनके लिए रायता भी बनाया था, खीरे वाला, और सब्जी और रोटी। अच्छा, यहाँ पर दूध है, उसको भी जो है बॉयल करने के लिए चढ़ा देते हैं। और इसी के साथ मैं अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करती हूँ। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।